हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्प्ले व्यूज़ में स्लाइड शॉर्टर ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम जितने भी स्लाइड्स में काम करें उन सारी स्लाइड्स में हमें काम एक ही फॉर्मेट में करना होता है। तो जो भी फॉर्मेट हम अपनी सभी भी स्लाइड पर करना चाहते हैं अप्लाई, तो उस फॉर्मेट को सेट करने के लिए हमें स्लाइड मास्टर ऑप्शन का यूज़ करना होता है। इसके लिए हमें यहाँ पर डिस्प्ले व्यूज़ पर क्लिक करना होगा। डिस्प्ले व्यूज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मास्टर स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पे मास्टर स्लाइड शो करने लगी। अब मास्टर स्लाइड पर जो भी हम फॉर्मेट सभी स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं वो इस स्लाइड पर आकर सेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे इस तरीके की जो हमें स्लाइड मिली है, ऊपर हमें टाइटल शो कर रहा है और नीचे कंटेंट, यानी कि हम अपनी स्लाइड के टाइटल और कंटेंट के लिए यहाँ से फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कंटेंट के लिए हम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं वो 7th लेवल तक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड का फॉर्मेट सेट करेंगे। तो अगर टाइटल का फॉर्मेट सेट करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर माउस से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें इसका सिलेक्शन लेना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब हम यहाँ से अपना जो भी टाइटल है उस पे इनका यूज़ करके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल में इसका राइटिंग स्टाइल यहाँ से अगर चेंज करना है तो यहाँ से राइटिंग स्टाइल आकर ले सकते हैं जो भी चाहिए होगी। यहाँ से आपको जो भी अपने टाइटल के लिए साइज वगैरह रखना होगा आकर साइज यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। जैसे मुझे टाइटल बोल्ड में चाहिए तो मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे इटाले अंडरलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप की अंडरलाइंस भी मिल जाएंगी। अगर आपको अंडरलाइन भी लगानी है तो जिस भी टाइप की अंडरलाइन चाहिए होगी उस पर आकर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको फॉन्ट कलर, यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, यहाँ पे अलाइनमेंट्स, यहाँ पे लाइंस और पैराग्राफ की स्पेसिंग, ये सारे ऑप्शंस आप पहले भी राइटर और कैल्क में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने कंटेंट पे फॉर्मेट अप्लाई करते थे राइटर और कैल्क में, उसी तरीके से हम यहाँ से भी इन ऑप्शन का यूज़ उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने टाइटल में यहाँ पर आकर रेड कलर दे दिया। तो अब जब भी हम अपनी किसी भी स्लाइड पे आगे काम करेंगे तो उसका टाइटल जो फॉर्मेट यहाँ से सेट कर रखा होगा उसी तरीके से शो करेगा। नेक्स्ट हमें अगर फर्स्ट लेवल पे काम करना है तो फर्स्ट लेवल पे अगर हम कुछ भी काम करें तो वो हमें कैसे शो करें, उसकी सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे आकर माउस से लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब जैसे भी आपको राइटिंग स्टाइल लेनी होगी राइटिंग स्टाइल ले लेंगे, साइज वगैरह जो लेना होगा आकर साइज ले लेंगे। साइज लेने के बाद अगर आपको कोई कलर वगैरह देना है कलर ले लिया हमने यहाँ से। और हम चाहते हैं कि जब हमारा फर्स्ट लेवल पे काम हो तो अब वो हमें इसी तरीके से शो करेगा। इसी तरीके से सेकंड लेवल की सेटिंग करने के लिए भी सेकंड लेवल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब इसका भी जैसे मुझे सेकंड लेवल पे जो काम चाहिए उसका जो कलर हो वो इंडिगो चाहिए तो यहाँ पे इंडिगो पे क्लिक कर देंगे। और हम चाहते हैं कि सेकेंड लेवल में
हमारा जो वर्क हो वो इटैलिक में हो तो यहाँ पर इटैलिक पे आकर क्लिक कर देंगे। आपको जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो सारी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे थर्ड लेवल की सेटिंग करने के लिए भी थर्ड लेवल पे आकर क्लिक करेंगे। अब इसमें भी आपको जो भी सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आकर इसका भी फॉन्ट कलर आके चेंज कर दिया और अब चाहते हैं इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड पर आके क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से फोर्थ लेवल पे आ जाएंगे। फोर्थ लेवल में भी आपको जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना है फोर्थ लेवल पे कर लेंगे। इसी तरीके से फिफ्थ लेवल पे कर्सर रखेंगे। जैसे मुझे फिफ्थ लेवल में साइज इसका 22 रखना है तो 22 पे कर देंगे क्लिक। इसी तरीके से यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर मैंने जो कलर दे रखा है वो डार्क येलो ले लिया है। नेक्स्ट सिक्स लेवल की सेटिंग करने के लिए सिक्स लेवल पे आके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो भी फॉर्मेट रखना होगा आके उस पे आके क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लगाया और इससे अंडरलाइन कर दिया। सेवेंथ लेवल की सेटिंग करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे शेडो का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट साइज चाहे तो हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के बीच स्पेसिंग कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हैं। तो और यहाँ पे हमें स्पेसिंग के भी ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम अपने अकॉर्डिंग स्पेसिंग भी एक लाइन से दूसरी लाइन की शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ के ऊपर स्पेसिंग, पैराग्राफ के नीचे कितनी स्पेसिंग रखनी है या लाइन के बीच स्पेसिंग सेट करनी है तो यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। अब आपको जितने स्पेसिंग चाहिए होगी लाइन के बीच वो ले लेंगे। यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम का बॉक्स मिल रहा है। डेट एंड टाइम अगर आपको इंसर्ट करना है कर सकते हैं। यहाँ पे फूटर का ऑप्शन, अगर आप फूटर यानी कि अपने स्लाइड के बॉटम में कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। देने के लिए माउस से लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर शो करने लगेगा। अब आपको जो भी फूटर यानी कि पेज के बॉटम में जो भी हेडिंग देनी होगी आप वो दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्लाइड नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है, अगर आपको स्लाइड नंबर देना है तो वो भी दे सकते हैं। तो आपको जैसा भी फॉर्मेट रखना है अपनी स्लाइड्स के लिए यहाँ पर आकर स्लाइड मास्टर पे वो फॉर्मेट सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद वापस से यहाँ पर डिस्प्ले व्यूज पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम अपने नॉर्मल व्यू पे जाने के लिए यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। नॉर्मल में क्लिक करने के बाद आपने देखा कि पहले से जो हमारी स्लाइड्स थी उनमें उसी फॉर्मेट में काम आ गया है जैसा फॉर्मेट हमने वहाँ पे सेट कर रखा था। अब मैंने कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल ली। अब न्यू फाइल यानी कि यहाँ पे हमें एक न्यू प्रेजेंटेशन मिल गई। तो अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन लेनी है तो हम कंट्रोल एन से ले सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि इस न्यू प्रेजेंटेशन में हम जो भी काम करें वो जितनी भी स्लाइड हो सब पर सेम फॉर्मेट में काम हो तो उसके लिए हम स्लाइड मास्टर में जाकर सेट कर सकते हैं। और पहले से अगर हमने सेट कर रखा होगा तो अब जो भी काम करेंगे वो उसी फॉर्मेट पे होगा। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम फॉर्मेट सेट करते हैं। तो हम वापस से अपनी यही पहली वाली जो हमने प्रेजेंटेशन बना रखी थी उस पे क्लिक किया और वो हमारी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई। अभी हमारे पास फिफ्थ स्लाइड तक काम है। अब हम चाहते हैं कि आगे हम जो स्लाइड लें उसमें काम हमें उसी फॉर्मेट में करना है जो फॉर्मेट हमने स्लाइड मास्टर में सेट कर रखा है। तो उसके लिए हम एक न्यू स्लाइड लेंगे। न्यू स्लाइड लेने के बाद आपको यहाँ से लेआउट का ऑप्शन दे रखा है तो जो लेआउट सेलेक्ट करना होगा वो यहाँ से आके हम लेआउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे वही फॉर्मेट अप्लाई होके आ रहा है जो कि फॉर्मेट हमने वहाँ पे सेट किया है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और एक टाइटल दिया,
अब हमें टाइटल उसी फॉर्मेट में सेट करेगा, शो करेगा जो फॉर्मेट हमने स्लाइड मास्टर में सेट किया है। अब यहाँ पर आने के बाद हमने जो 7th लेवल तक सेटिंग कर रखी थी, अगर हमें उसमें काम करना है तो हम यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने देखा कि फर्स्ट लेवल में हमारी वही सेटिंग हमें शो करी जैसे कि हमने वहाँ पे सेट कर रखा था। फिर नेक्स्ट लेवल पे काम करने के लिए एंटर। अच्छा, अगर एंटर करके हम कुछ काम करने लगेंगे तो वो हमारा उसी प्रीवियस लेवल में ही शो करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने सेकंड लेवल पे काम करना है जैसा हमने वहाँ सेट कर रखा है, तो उसके लिए हमें एंटर करना होगा और उस सेकंड लेवल को अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से टैप की का यूज करना होगा। और अब हम आकर उस सेकंड लेवल में काम कर सकते हैं। तो अगर लेवल चेंज करना होता है तो हमें एंटर के जस्ट बाद में कीबोर्ड से टैप की को प्रेस करना होता है। अब हम चाहते हैं हमें इसी लेवल में काम करना है तो हम एंटर करके काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें लेवल चेंज करना होगा तो पहले एंटर करेंगे और फिर टैप की का यूज कर देंगे। अब यूज करने के बाद जो हम काम करेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट लेवल के फॉर्मेट में हमें शो करेगा। फिर एंटर करेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल लगाने के लिए वापस से टैप की को प्रेस करेंगे और जो काम करना है वो हम काम कर सकते हैं। इस तरीके से एंटर और फिर टैप की का यूज करके हम अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जैसे फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे जो फॉर्मेट सेट कर रखा है उसी तरीके से हमारा काम हो रहा है। अब हमने यहाँ पर जो भी फुटर डाल रखा था वो फुटर भी हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम वापस से एक न्यू स्लाइड लेंगे। कंट्रोल एम मैंने प्रेस किया और एक न्यू स्लाइड मिल गई। आपने देखा यहाँ पे भी हमें वही फॉर्मेट शो कर रहा है। तो स्लाइड मास्टर का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम जितनी भी स्लाइड्स पे काम करें उनमें सब में हमें सेम फॉर्मेट में ही काम करना हो। अगर हम स्लाइड मास्टर का यूज कर लेंगे तो हम अपनी स्लाइड को सेम फॉर्मेट में सभी स्लाइड पे इजीली वर्क कर सकते हैं। हमें इंडिविजुअली बार बार सभी स्लाइड पे जाने के बाद फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपने देखा कि हम कोई भी न्यू स्लाइड ले रहे हैं तो सभी स्लाइड में सेम फॉर्मेट में ही अब काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि वापस से हमारा जो काम है वो नॉर्मल हो जाए। हम चाहते हैं कि जितने भी स्लाइड्स पे हम काम करें वो हमारा पहले की तरह हो जाए, यानी कि हमें फॉर्मेटिंग हटानी है, सिंपल वे में ही काम करना है। तो उसके लिए भी हमें यहीं पे क्लिक करना होगा और वापस से मास्टर स्लाइड पे क्लिक करेंगे। मास्टर स्लाइड पे क्लिक करने के बाद इसे आके हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर रखी है उसे हटा देंगे। जैसे मैंने इसे बोल्ड किया था, बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। अंडरलाइन किया था, अंडरलाइन पे। इसका अलाइनमेंट नॉर्मल करना है वो नॉर्मल कर लेंगे और यहाँ पे कलर को आकर ऑटोमेटिक कर देंगे। मतलब जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी उसे स्लाइड मास्टर में ही आके सेलेक्ट करेंगे और हटा देंगे। इसी तरह यहाँ पर आएंगे, इसे भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी होगी वो सारी ही फॉर्मेटिंग आके हटा देंगे। हटाने के बाद अगर हम इसका जो कलर है, फॉन्ट कलर, वो भी हटाना चाहते हैं, फॉन्ट कलर पे आएंगे, ऑटोमेटिक पे आ जाएंगे। इतना करने के बाद वापस से डिस्प्ले व्यू पे आएंगे और आने के बाद नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। तो अब वापस से हमारा काम नॉर्मल विदाउट एनी फॉर्मेटिंग शो करने लगेगा। तो जब भी अगर आपको कभी कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो और आप चाहते हो कि आपको सारे स्लाइड में सेम फॉर्मेटिंग का ही यूज़ करना है तो हम स्लाइड मास्टर पे जाकर वो फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। अब हम
नहीं, यहाँ पे देखा था कि हमें जो एडिट मोड के ऑप्शन मिल रहे थे, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स और स्लाइड सॉर्टर, वो ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो हम चाहें तो इन ऑप्शन का यूज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो हमें इस तरीके से शॉर्ट में शो करने लगेंगी। अब नॉर्मल में जाना है, या तो हम यहाँ पर जाके नॉर्मल पे क्लिक कर दें, या हमें यहाँ पे भी नॉर्मल शो कर रहा है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह अपने स्लाइड को आउटलाइन व्यू में देखना होगा तो यहाँ से भी आउटलाइन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और नॉर्मल पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह किसी स्लाइड के बारे में कोई नोट्स देना है तो नोट्स पे यहाँ से भी क्लिक किया जा सकता है। तो हमने स्लाइड मास्टर का तो यूज़ देख लिया, अब हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने से पहले आपने देखा कि हमने जो स्लाइड मास्टर जब सेट की थी तो यहाँ पे फूटर दिया था, अब वो फूटर भी सारी स्लाइड पे हमें शो कर रहा है। अगर हमें इसे भी हटाना है तो इसको हटाने के लिए भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले व्यू पर क्लिक करना होगा। डिस्प्ले व्यू पे क्लिक करने के बाद मास्टर स्लाइड पे जाना होगा। मास्टर स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे और जो ये प्रेजेंटेशन लिखा है इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद वापस से यहाँ पर डिस्प्ले व्यूज पर आएंगे और आने के बाद नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमने देखा कि जो भी हमने फूटर अप्लाई कर रखा था वो हमारी सारी स्लाइड से हट गया। नेक्स्ट हम वापस से यहाँ पर ऑप्शन में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मास्टर नोट्स। अच्छा, हमने यहाँ से अभी नोट्स पढ़ा था। नोट्स का यूज़ तो होता है, हम अपनी सिलेक्टेड स्लाइड के बारे में कोई नोट दे सकते हैं, और मास्टर नोट्स का यूज़ करके हम जो नोट दे उसका फॉर्मेट हमें किस तरीके से रखना है उसे सेट कर सकते हैं। जैसे स्लाइड मास्टर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम जितनी भी स्लाइड्स पे काम करें वो सारी स्लाइड्स में सेम फॉर्मेट में ही काम हो, और मास्टर नोट्स का यूज़ तब करेंगे जब हम चाहते हैं कि हम किसी भी स्लाइड पर नोट दें वो नोट सेम फॉर्मेट में ही हो। तो नोट्स मास्टर का यूज़ करने के लिए, यानी कि नोट्स का फॉर्मेट सेट करने के लिए, यहाँ पर डिस्प्ले व्यूज पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मास्टर नोट्स शो कर रहा है, मास्टर शो नोट्स पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर इस तरीके से हमारी स्लाइड ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू एडिट द नोट्स फॉर्मेट। अगर यहाँ पे हमें क्लिक करना है जहाँ पे आपको नोट्स का फॉर्मेट सेट करने के लिए, तो अगर नोट्स का फॉर्मेट सेट करना है यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कर्सर शो करने लगेगा, और अब फॉर्मेट सेट करने के लिए हमें इसका सिलेक्शन लेना होगा। अब हम चाहते हैं कि हम जो नोट दें वो हमारा बोल्ड में हो, और उसका राइटिंग स्टाइल क्या है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पर आके रेड कलर ले लिया। तो इस तरीके से अब हम अगर अपनी स्लाइड पे नोट का फॉर्मेट सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वापस से अपने नॉर्मल व्यू में आने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और आकर नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे। तो आपने देखा कि अगर हमें नोट्स का फॉर्मेट सेट करना है तो उसके लिए डिस्प्ले व्यूज पे जाते हैं, और जाने के बाद मास्टर नोट्स पे क्लिक करते हैं। अगर हमें जो भी नोट्स मास्टर में फॉर्मेट सेट कर रखा है इसे भी हमें रिमूव करना है, इसके लिए भी यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और जो इस पे फॉर्मेटिंग की है उसे रिमूव कर देंगे। जैसे मैंने इसे बोल्ड किया था, बोल्ड पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। इसी तरह अगर इसका फॉन्ट हमें नॉर्मल करना है तो फॉन्ट भी आके
हम अपना नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मल करने के बाद अगर आपको यहाँ से साइज़ वगैरह जो भी रखना है, नॉर्मल करना है, तो आकर हम अपना साइज़ भी नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद कलर हटाने के लिए, फॉन्ट कलर को रिमूव करने के लिए इस ऑटोमेटिक कर देंगे। इतना करने के बाद वापस से नॉर्मल व्यू को देखने के लिए या तो हम यहाँ पर जाकर नॉर्मल पे क्लिक कर दें, या हम यहीं से भी नॉर्मल पर क्लिक करके अपने नॉर्मल व्यू पे आ सकते हैं। तो हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड मास्टर का यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना मास्टर नोट्स ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक करें, ये तो इस तरीके से वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के जाने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले व्यूज पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मास्टर हैंडआउट ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो जो हमारी स्लाइड्स होंगी उनका व्यू हमें इस तरीके से शो करेगा। तो मास्टर जो हैंडआउट है तो हम देख सकते हैं उसका प्रीव्यू एक तरीके से, कि अगर हम अपना जब प्रिंट निकालें किसी स्लाइड का तो एक पेज पे अगर हमें मल्टीपल स्लाइड्स चाहिए होंगी तो वो हमें किस तरीके से शो करेंगी। अगर हम नॉर्मल व्यू पे आना चाहते हैं तो वापस से यहाँ पर डिस्प्ले व्यूज पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम नॉर्मल व्यू पर जा सकते हैं। इसके आगे हमें यहाँ पर भी मास्टर स्लाइड दे रखा है, चाहे तो हम यहाँ से मास्टर स्लाइड यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी हमें मास्टर स्लाइड दे रखा है, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन सेम हैं। और इसके आगे जो ऑप्शन दे रखे थे उनके बारे में हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि यहाँ पे हमें स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करके हम अपने स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पर फर्स्ट स्लाइड से कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड दे रखा है, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज करके हम स्लाइड्स को अपनी करंट स्लाइड से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे टेबल, इंसर्ट इमेज, यहाँ पे ऑडियो वीडियो, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, फॉन्ट वर्क, हाइपरलिंक, शो ड्रॉ फंक्शन, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड और स्लाइड लेआउट, इन सब ऑप्शंस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने इन ऑप्शंस का यूज तो राइटर और कैल्क में ही सीख लिया था और जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें हमने नई स्लाइड लेना, डुप्लीकेट स्लाइड लेना, डिलीट करना और स्लाइड का लेआउट चेंज करना भी सीख लिया था। अब इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।